चलो अब हुई है रिकॉर्डिंग, ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, टेंसोलॉजी, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ द हाउ दे वर्क एंड डू द फिजिकल एक्टिविटीज एंड ऑल। उसके बाद है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ बोन्स, टाइप्स नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है, जिसमें है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इररेगुलर एंड सिस्मॉइड। हमारे जो नॉर्मली है 80 बोन्स आर देयर, जिसे एक्सियल में बोलते हैं, वो स्कल से लेकर वर्टिब्रा के एंड तक है, और अपेंडिकुलर हैं जो लिम्स प्लस पेल्विक गर्डल से लेकर नीचे तक की हैं, 126 बोन्स। टोटल 206 बोन्स जो हैं वो इसके अंडर आती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने इसका नॉर्मल है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमारी नॉलेज को एनहांस करता है, हमें पता चलता है अपनी बॉडी बॉडी के बारे में, हमें अपनी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि विच एक्टिविटी वी शुड डू दैट गिव्स अस द मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। इसकी ये नॉर्मल है कि इससे हमें पता चल जाएगा, हमारी अपनी बॉडी के बारे में ज्ञान होगा, हमें अपनी गेम के बारे में होगा, हमें इंजरीज जो है उसके रिहैबिलिटेशन के बारे में, वो किसके द्वारा होता है, वो हमें इनके द्वारा पता चलता है। फिर है कि स्केलेटन सिस्टम जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। स्केलेटन सिस्टम जो है वो पहले तो हमें सपोर्ट देता है, अट्रैक्टिव लुक है, हमारी मूवमेंट्स को जो है वो स्मूथ बनाता है, RBC जो है वो एनहांस करते हैं, और इस तरीके से हमारा जो काम है वो चलता है। That's all for today, बेटा।